सॉरी, ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ये कि प्रूफ है या नहीं है, ये देख सकते हैं ठीक होती है या नहीं होती है। नई वीडियो में एक और नई। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सोना मेकओवर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि मेरे पास जो है चार लिप शेड हैं, जो कि है रिकोट के। और रिकोट के जो प्रोडक्ट है बीच में बहुत ज़्यादा ट्रेंड करे थे। इनफैक्ट अभी भी रिकोट के जो प्रोडक्ट है काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा जो में थी वो थे रिकोट के लिपस्टिक। एंड एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी कंपनी जब कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है, सपोज जैसे लिपस्टिक लॉन्च करी रिकोट ने, तो उसमें बहुत सारे शेड निकाले, ठीक है। अब क्या होता है कि जो प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, तो वो तो अपने सारे लिप शेड को ही अच्छा बताएगी, बट कुछ शेड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होते हैं। तो मेरे पास ये कुछ शेड हैं, चार शेड हैं एक्चुअली, एक और था मिल नहीं रहा अभी मुझे। चार शेड ऐसे हैं जो कि मैंने सिलेक्टेड लिए थे, और इन सारों के मैं आपको स्वेचेस दिखाती हूँ और शेड नंबर भी दिखाऊंगी, एंड इनका जो प्राइस है वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं इस पिंक वाले शेड पे। इसका जो ये देख सकते हैं रिकोट USA स्टूडियो प्रो, एंड इसका जो शेड नंबर है वो है 04 वेडनेसडे। एक्चुअली रिकोट की जो सीरीज है लिपस्टिक की, उसमें जो शेड नेम है ना, वो ऐसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मदर्स डे, इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए, देखने में तो बहुत प्यारा शेड है, पिंक कलर का है, एंड जो इसका प्राइस है 625 रुपीज़, बट आपको ये डिस्काउंट में मिल जाता है। एंड ये स्पॉन्सर्ड वीडियो बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरी पर्सनल, मैंने अपनी ब्राइड के लिए या फिर जैसे नॉन ब्राइड के लिए रखी है। तो ये देख सकते हैं इसका जो एप्लीकेटर है कुछ इस तरीके का है। और सबसे बड़ी बात कि एप्लीकेटर से मैं कभी भी, मैं क्या, इनफैक्ट कोई भी नहीं लगाता होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, इससे लगाने में जो है कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, इसलिए दूसरी जो है लिपस्टिक रखी रहती है, ठीक है, लिप ब्रश सॉरी। ये देख सकते हैं इसका ये जो, मतलब क्या बोलूँ मैं, हाय जो इसकी फ्रेग्रेंस है ना, बहुत प्यारी है, बहुत ही प्यारी। और पिंक इतना प्यारा है, ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा शेड है, बहुत ही प्यारा, ये देख सकते हैं। एंड ये जो लिपस्टिक है प्रॉपरली फुल्ली वाटर प्रूफ है, एंड बिल्कुल भी, मतलब ये ऐसे फैलती नहीं है, ठीक है, ये देख सकते हैं। ऐसे जब आपकी लिपस्टिक आप अप्लाई करते हो तो थोड़ा देख आप नोट करोगे गीली गीली रहती है, उसी टाइम पर आप लोग छेड़छाड़ मत करा करो उसके साथ, ठीक है, थोड़ा सा वो ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप कुछ भी करो, ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरे शेड की। चलिए ये तो हो गया, अब लेते हैं हम ये वाला शेड जो कि दिखने में बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा है। और इसका एक्चुअली यहाँ से ये चिट हट गई है, इसका शेड नंबर मैं मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पर और नेम भी। 625 प्राइस तो देखो सेम वही होने वाले। हाँ, और दूसरी बात ये कि ये भी होता है कुछ कुछ शेड में डिस्काउंट कम रहता है, कुछ कुछ शेड में ज़्यादा रहता है, ठीक है। इसका भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि कैसा कलर है इसका, इसको ना मैं मेंशन कर दूंगी, इसका ये चिट हट गया, ये देख सकते हैं। ये मैंने काफ़ी टाइम यूज़ भी कर रखा है, रियल मेकअप, मॉडल मेकअप, देख सकते हैं। आता तो पिंक की फैमिली में ही है, बट कितना फ़र्क है देखो, इस वाले पिंक में, इस वाले में कितना फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। दो ये हो गई, अब आ जाते हैं हम भाई हमारे न्यूड शेड्स पे। तो इसका जो शेड नंबर है ये देख सकते हैं 21 मदर्स डे, ये वाली पर जिस दिन मदर डे होगा उस दिन ज़रूर अप्लाई करना इसको, ठीक है। ये देख सकते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रखी है मैंने ये वाली लिपस्टिक, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ब्राइट पे तो बहुत ज़्यादा। ये देखिए क्या शेड है, मतलब कुछ शेड ऐसे होते हैं ना कि एक ही बार में आपको पसंद आते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब नई नई चली थी ना रिकोट की लिपस्टिक, एक्चुअली मुझे शेड का इतना अंदाज़ा नहीं आ रहा था कि कौन सा शेड कैसा होगा, तो इस वजह से मैंने ये मार्केट से परचेज़ की थी 20% डिस्काउंट में, ठीक है। तो एक एक शेड मैं इस तरीके से देख देख के लाई थी कि कौन सा अच्छा है, मुझे कौन सा चाहिए। अब देखिए एक और आ जाता है, ये पिंक 27 नंबर है, और बेबी शावर डे,
तो भाई जिनकी भी घर में बेबी शावर पार्टी है प्लीज़ यार लिपस्टिक लगाना। हाँ मजाक कर रही हूँ मैं, ये खाली इनके जो कोड वर्ड है वो है, इनकी कोडिंग है ये। ये देखिए कहाँ पे लगाऊँ इसको, यहाँ पे अप्लाई करती हूँ। चलो ये देखिए कितना फ़र्क है, देखिए सारे सेट्स में कितना फ़र्क है, देख सकते हैं आप लोग। बहुत प्यारे सेट्स यार, बहुत प्यारे। इनको मैं इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, इतना ज़्यादा यूज़ करती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को भी परचेस करने हैं, यहाँ पे देखिए आपको क्लियरली शेड दिख रहे हैं क्लियरली, और इनमें से आप परचेस कर सकते हो। अगर इनमें से कोई शेड आपको पसंद आता है तो जब सेल चल रही होती है ना उस टाइम पे आप लोग ये प्रोडक्ट खरीदा करो, बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है, बहुत ही अच्छा, ठीक है। शेड वो सॉरी सेल के टाइम पर ही ये सारे प्रोडक्ट परचेस करने चाहिए। इनफैक्ट जो महंगे ब्रांड के प्रोडक्ट होते हैं ना सेल के टाइम पर ही उनको परचेस करना चाहिए, बहुत बेनिफिट मिलता है, बहुत ज़्यादा सकते हैं। शेड विद स्वाचेस, आई होप आपको बहुत पसंद आए होंगे, बहुत पसंद आए होंगे शेड। रेड नहीं लिया मैंने एक्चुअली, मेरे पास मेबलिन का ऑलरेडी रेड पड़ा था तो मैंने नहीं लिया। रेड तो रेड ही होता है, क्या लेना है ना। ये सारे शेड में तो देखो 19-20 का फ़र्क रहता है, मेबलिन या किसी भी दूसरे ब्रांड में। जैसे ये ब्राउन वाला है तो उसमें ये चेंज होगा, ठीक है। रेड रेड होता है यार, रेड में कोई वो नहीं है, इस वजह से मेरी रेड वाली लिपस्टिक भी जल्दी ख़त्म हो गई। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में एक और नए ट्यूटोरियल के साथ, और आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ नया शेयर करते हैं ताकि आप लोग भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस देखिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि लिपस्टिक वाटरप्रूफ है या नहीं है, ये देख सकते हैं, ठीक है। वाटर स्प्रे मैंने यहाँ पर कर दिया है, ये देख सकते हैं, और अब देखते हैं कि स्मच प्रूफ है या नहीं है, कैसे रहती है, क्या रहती है, स्मच होती है या नहीं होती है। देखिए हल्की फुल्की, इतना तो होता ही है, बाकी लिपस्टिक पे इतना तो कोई ऐसे तो मिटाएगा नहीं, ठीक है। काफ़ी प्रेस करके मैं इसको मिटा रही हूँ, ये देख सकते हैं, बहुत माइनर सा, बहुत हल्का सा, ये देखिए, ये देख सकते हैं, ये देखिए बहुत माइनर सा, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। ये देख सकते हैं कितना ज़्यादा मैं कर रही हूँ, बहुत अच्छी लिपस्टिक है, ये देख सकते हैं, ठीक है। इतना तो होता ही है, इतना तो हर किसी में होता है, ठीक है। बाकी प्राइस वगैरह देख के भी ये चीज़ होती है कि जो अगर 1200-1300 की लिपस्टिक है तो उसके कंपैरिजन में 600-700 रुपए की लिपस्टिक थोड़ा तो फ़र्क रहता है, ठीक है। इतना चलता है, देखो इतना मैटर नहीं करता, ठीक है। बाकी ये देखिए कि इतनी ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई है, आप परचेस कर सकते हैं इसको आराम से,